ओके स्टेशनरी रेंट सैलरी टू बैलेंस एंड गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट टू परचेज ओके एडवर्टाइजमेंट टू परचेज Now, the same thing we are going to present in the form of an accounting equation. Sir, wait for 2 minutes or not, sir. Yeah. छोटा छोटा बड़ा वाला है एने वाला पागल एने वाला पागल करवा दे रहा हूँ This format. Okay, this format is only format we need to follow for accounting. याद आया ये कुछ किया था हमने नवीन जी Assets are equal to liabilities plus Now all of you know that because you have done final accounts and all. हाँ तीन ही कॉल Particular फिर तीन कॉल Particular में question लिखना है पर्टिकुलर में लिखना है हम लोग स्किप कर देंगे बट वो ही लिखना है हम लोग सीधा उसका इफेक्ट दिखाएंगे सो व्हाट इज द यूज ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन गाइस इसका यूज क्या है तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट बैलेंस शीट इक्वेशन ओके तो बैलेंस शीट दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है आपको बैलेंस शीट व्हाट इज द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज इट क्लियर But generally, tell me, when do we make a balance sheet? End of the year, right? So, fortunately or unfortunately, rather, we get to know the value of business only once at the end of the year. But is it necessary or compulsory to make the balance sheet only at the end of the year, or you can make it whenever you want? You can make it whenever you want. You want to make it at the end of 3 months? Take the data for 3 months. Want to make it at the end of 6 months, take the data for 6 months, expense income asset liability कर दो, profit loss घूम दो 6-6 महीने तक का, your balance sheet can be made at the end of every day also, एक दिन का transaction कर दो, वो balance sheet ready, in fact your balance sheet can be made after every damn transaction, एक transaction के बाद भी आप balance sheet बना सकते हो, is it clear? तो उसका यूज क्या है आई टोल्ड यू टू डू दैट कोर्स ऑफ टैली एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड ओके तो पूरा मान साफ ओके नहीं किया है तो ठीक है अभी भी थोड़ा अगर टाइम कभी कभी जून जुलाई में मिलेगा जून जुलाई में मिलेगा तो हाँ कॉलेज नहीं जाओगे एन दो से तीन बार ही जाने का उससे ज्यादा मत जाना पढ़ाई नहीं हो बारह से छह घंटे पढ़ाई के लिए निकलो बाकी कॉलेज तो जाना ही नहीं आई टी सब कुछ करने का जल्दी खाली टैली और एक्सेल करो टैली और एक्सेल का कोर्स कर लो एक छोटा सा तो उधर आपको पता चलेगा कि टैली में जस्ट लेटर जर्नल एंट्री एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन इट्स ओन तो एवरी ट्रांजैक्शन के बाद यू हैव एन अपडेटेड बैलेंस शीट नाउ लिसन व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट बिकॉज लिसन The real strength of any business, okay? Real strength or the real value of any business is given by balance sheet, not by revenue statement. Trading PNL क्या है? एक साल या एक quarter या छह महीने का barometer. तो वो quarters खराब हो सकते हैं, साल खराब हो सकते हैं, वापस business recovery पे आ सकता है. Real value of business, real strength of business is given by what? Balance sheet, okay? तो बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि एक्चुअल रियल एसेट्स कितने बिजनेस में बाहर वालों कितना चुका है और नेटवर्थ क्या है
मतलब ओनर का वैल्यू जितना पड़ा हुआ, और ये वैल्यू अगर अपने को हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जानना है तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. करना क्या होता है यहाँ पे, बहुत सिंपल है. एंट्रीज देखनी है, रोज तो आपको पता है एसेट और एक्सपेंस बढ़ा दो घटा दो, डेबिट हो रहे तो बढ़ रहे, क्रेडिट हो रहे तो घट, और इनकम और लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है और डेबिट हो रही है तो घट रही है. सिंपल. तो व्हेन यू मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इधर जो भी जर्नल एंट्री में से देख लेगा, एसेट बढ़ा तो एसेट में प्लस कर दे लेगा, घटा तो माइनस, लाइबिलिटी बढ़ी तो लाइबिलिटी में प्लस माइनस, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल में प्लस माइनस. अच्छा ड्रॉइंग्स हुआ है तो क्या करो, एंड एक्सपेंस और इनकम हुआ है तो एनी एक्सपेंस इंक्रीज इज द कैपिटल और डिक्रीज इज द कैपिटल, बिकॉज व्हाट आर एक्सपेंस एंड इनकम पीएनएल का आइटम्स. सो इमेजिन अ पीएनएल अकाउंट, एनी एक्सपेंस इज डेबिटेड टू पीएनएल, इनकम्स आर क्रेडिटेड, एंड हाउ डू यू अराइव एट नेट प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट. तो जितना इनकम बड़ा बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, वो प्रॉफिट किसको जाता है, और जितना एक्सपेंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट घटेगा, वो प्रॉफिट किसको जाता है, कैपिटल को. सो इनडायरेक्टली एनी सिंगल एक्सपेंस डिक्रीज इज द कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट घटा तो कैपिटल घटने वाला है. तो एनी एक्सपेंस डिक्रीज इज द कैपिटल, एनी इनकम इंक्रीज इज द कैपिटल. तो बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस है तो कैपिटल को घटाएगा, कोई भी इनकम है तो कैपिटल को घटाएगा. बात समझ आई, बस इतना समझना है फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन. तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम अपडेट करके देखते रहते हैं वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट. तो अगर किसी बिजनेस की वैल्यू आपको पता है, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, उसकी बैलेंस शीट आपको पता है, आपने देखी थी साल के बिगनिंग में या तीन महीने पहले, फिर न्यूज में पढ़ा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन है, दो मिनट में आप पता कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है बैलेंस शीट पे, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी वैल्यू, दो सेकेंड में पता चल जाए. दिस इज क्लियर. सो पहला ट्रांजैक्शन, वी आर स्किपिंग द क्वेश्चन. He started business with capital. You have to write the question. The first one is, you want to write it. Ajay started, just for the understanding, Ajay started business with capital. So Ajay started business with capital. Just for the sake of understanding, but the skip to it. So what is the entry? वही सब है. Accounting equation में दिखाने हैं. Bank to capital, right? What is bank? एसेट बढ़ा कि घटा, बढ़ा. बिजनेस में एसेट बढ़ा कितने से, 4 लाख, और सामने कैपिटल बढ़ा तो ये प्लस 4 लाख. इज दिस क्लियर? इधर टैच कर दो ना, चलेगा. हर एंट्री का एक डेबिट एक क्रेडिट, कभी किसी का 3 भी हो सकता है, कंबाइंड एंट्री है तो 3 भी करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? अभी अपडेट करिए, अपडेट करेंगे तो ये कितना होगा, 4 लाख. जीरो था ना शुरुआत में, जीरो था, डैश 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 था. ओके, प्लस 4 लाख, 4 लाख ये डैश है. तो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए. इक्वेशन कभी ऊपर नीचे होने वाला नहीं है. बात समझ आई? गॉट इट? Now, he withdrew cash from bank for his office use. So, what is the entry? It is cash to bank. So, cash bada or bank gata. But cash is also an asset and bank is also an asset. So, what am I going to do over here? Plus 2000 in asset and minus 2000 in asset only. Is there any change in liabilities or capital? No, forget it. So what is the updated equation? It is 4 lakhs is equal to dash plus 4 lakhs. So bolne ka matlab, agar aap assets ke beech mein shuffle kar rahe ho, you are playing with the assets only. Ek asset badh raha hai, ghat raha hai, badh raha hai, ghat raha hai. So value of business is not going to get impacted. Is it clear? Same rehne wale. परचेज गुड्स मेकिंग द पेमेंट टू बैंक, योर पार्सल एंट्री परचेज टू बैंक. नाउ वैसे तो परचेज नॉमिनल एक्सपेंस है, बट सुनो ध्यान से, व्हेन यू आर डूइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन,
treat your purchase and sales and purchase return and sales return as stock. ऐसा मैं तभी भी बताया था आपको. क्योंकि ये tangible expense है. बाकी सारे intangible होते हैं. Purchase में actually माल आता और माल जाता. तो purchases को क्या treat करना है? Purchase return, sales return, stock. तो खरीदा. Stock बढ़ा, bank घटा. तो what is stock? Asset. And what is bank? Asset. तो what will be the change? Plus 15 and minus 15 in asset only. Plus 15 and minus 15 in assets only. समझा क्यों? Don't treat purchase as expense, huh? Hello. Treat it as stock, asset. So, एक asset बढ़ा, एक asset घटा. What is the updated equation? This is 4 lakhs is equal to dash plus 4 lakhs. Correct? Liabilities में dash. 4 lakhs is equal to dash plus 4 lakhs. Got it? Purchase मतलब stock. सेल्स मतलब स्टॉक गया. बी अलर्ट. चार बार बोला देवम एंड पद्रा दोनों ने लोचा मारा है. ट्रीट परचेज एज स्टॉक, ट्रीट सेल्स एज स्टॉक. याद है हम लोग करते भी थे. गुड्स ऑफ 5000 में सोल्ड फॉर 8000. गुड्स ऑफ 5 में सोल्ड फॉर 8. तो स्टॉक गया 5 का, फिर 3 का प्रॉफिट हुआ. वो प्रॉफिट ऐड करते थे आप कैपिटल. रिमेंबर? इज इट क्लियर? Moving ahead, he sold goods for 16,000, made the payment to bank. What is the entry? Bank to sales, right? So bank mein kya matlab plus 16 and stock gaya. वैसे तो है ना sales profit पे होता है. But do we know कितने का profit है इधर? दिख रहा है? ऐसा बोला कि 15 का 16 में बेचा है, 14 का 16 में बेचा है, 13 का 16 में बेचा है. तो क्या अज्यूम करने का? नो प्रॉफिट नो लॉस. तो स्टॉक घटा और बैंक बढ़ा. स्टॉक घटा और बैंक बढ़ा. तो ये रहेगा अगेन 4 लैक्स इज इक्वल टू डैश प्लस 4 लैक्स. तो ये अगर आप एसेट्स के बीच में खेल रहे हो तो ज्यादा इंपैक्ट आने वाला नहीं. इक्वेशन रिमेन्स द सेम. क्लियर? परचेज फर्नीचर बाय चेक. व्हाट इज द एंट्री? Furniture to bank. So what has happened? Furniture is increasing. So plus 2500. Bank is decreasing. So minus 2500. So again it remains same. No change in liability. Plus capital is still at 4. Is this clear? Sir, purchase returns may be stock. Purchase returns, sales returns, stock. Sold goods to Arvind. क्या होगा? Arvind to sales. But who is Arvind guys? And what are debtors? Debit हुआ तो बड़ा की घटा बड़ा. तो Arvind debtor बड़ा और sales मतलब क्या treat करना है? Stock. तो stock घटा. So this is 3 lakh 4 lakhs is equal to dash plus 4 lakhs. कमाऊ अजी सुधी नहीं. एक्चुअली हैज अर्न. व्हेनेवर यू मेक सेल्स ना दे आर एट अ प्रॉफिट. तो ध्यान दो यहां पे बोर्ड पे देखो. ये जो सेल होता है ना इसमें हमने क्या किया? नो प्रॉफिट बट एक्चुअली उसने 10 का कुछ 16 में बेचा होगा. तो स्टॉक आपका 10 से घटा है, बैंक आपका 16 से बढ़ा है. तो 6 का प्रॉफिट हुआ है. और 6 का प्रॉफिट क्या करोगे आप? कैपिटल में. बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यू आर अज्यूमिंग नो प्रॉफिट हो रहा है. बट प्रैक्टिकली सेल्स आर ऑलवेज एट अ प्रॉफिट. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? हेलो. देन परचेज गुड फ्रॉम अमृत. व्हाट विल हैपन ओवर हियर? अमृत परचेज मतलब स्टॉक बढ़ा. हेलो. एंड हु इज अमृत? वेरी गुड. एंड क्रेडिट कौन सा हुआ? सो लाइबिलिटी बढ़ा कि घटा? बढ़ा. सो नाउ अपडेटेड क्या बनेगा? 4 लाख 10
is equal to 10,000 plus 4 lakhs. Your capital is still at 4 lakhs, but your external liabilities has become 10,000. Liability क्या मतलब कौन सा liability है ये वाला? External और internal. External liability. Is this clear? Next one. Return goods to Amrit. So क्या होगा? Amrit to purchase returns. Amrit क्या था? Creditor. Debit हुआ मतलब बढ़ा कि घटा? घटा. Very good. And stock बढ़ा कि घटा? वो भी घटा. तो what is the change because of this? Minus 500 in assets, stock घटा है, minus 500 in liability. जा रहे भेजे में? This is 4,9,500 is equal to 9,500 plus 4 lakhs. Purchase और purchase return समझ रहे हैं? Treat them like stock. Stock is asset. Return करोगे तो stock घटेगा और liability भी घटेगा. Okay? Cool. Okay. He received from Arvind 2300 in first general. What entry you have passed? Bank discount allowed to Arvind. Split it. Bank to Arvind, discount to Arvind. Or think like this. The bank kitne se debit hua? Paisa kitna bada? 2300. And what is bank? Asset. So is that plus 2300 hoga? Okay. What is discount allowed? बड़ा की घटा बड़ा एक्सपेंस बड़ा मतलब कैपिटल घटा 100 रुपए से समझा एक्सपेंस डेबिट हुआ ना तो एक्सपेंस इंक्रीजेस तो कैपिटल इंक्रीजेस एंड एसेट टू अरविंद अरविंद वॉज है डेटर डेटर क्रेडिट हुआ मतलब घटा एसेट डिक्रीजेस बाय हाउ मच 3400 अगेन यू चेक This will match, left hand side, right hand side match ho jayega. So I think this is 4,9,400, right? 4,9,400 is 9,500 plus 3,99,900. Am I right? Please check. 3,99,900. Ye tally hona chahiye, LHS, RHS. Kya bheja main? Pakka? Bank discount to Arvind. He withdrew goods for personal use. What is the entry? Drawings to purchase. So drawings bada matlab capital. Bata. So minus 1000. Correct? Hello? And goods ghata ki bada. So minus 1000 over here also. Sorted. Is this clear? So, what is the net amount? It is 4,8,400, which is equal to 9,500 plus 3,98,900. Is it matching? Yes. Then, we withdrew cash from business for personal use. So, what is it? Drawing cash. So, cash bada ki gata business se? Gata. Business ke point of view se dekhna hai na? So drawings मतलब capital घटेगा और cash मतलब asset घटेगा. So this will become 4,6,400 is equal to 9,500 plus 3,96,900. Is that right? Clear है? Then we have समझ रहे हैं को? खाली confirm करना asset liability का विषय तो पता है आपको. Let's take the logic and decide if what has happened to the value. Bada ki ghata. Telephone charges to bank. What is the entry? Telephone charges to bank. Telephone charges kya hai? Expense. Bada ki ghata. Ghata by 110. Is that right? Okay. And cash bada ki ghata. So asset bhi ghata by 110. Mila. तो ये हो जाएगा 4,6,290 इज इक्वल टू 9,500 प्लस 396,790. ओके 396,790 ओके इज दिस क्लियर जम रहा है अमाउंट पे टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9 को बाय लो एंट्री आई मीन पास यू नो अमृत टू कैश टू डिस्काउंट
Receive. Now who was Amrit? Creditor. That means he was your liability. Liability is getting debited. So bada ki ghata. Ghata yaar, debit ho raha hai. So liability is decreasing by how much? 9,500. Did you understand? Amrit was a liability. You debited it, so ghata. Okay. To cash. Bank, whatever. Bada ki ghata. Ghata. 9,450. And what is 50? 50 rupees. Income. Income. Discount received is gain. So what will happen? Your capital will increase. Capital will increase. Leo? Income hai na? Income se badhta hai, expense se ghatta hai. Ye liability ghatta hai, ye asset ghatta. What is the net amount? 396. 396 is equal to nil plus 396 840. Understood? So isse apne ko dekhne ko milta hai ki ek transaction ka business pe kya impact hai. It is like this Fitbit smartwatch. आपको चाहिए कि 6 महीने में आपको 4 किलो वजन कम करना है. 6 महीने में 4 किलो वजन कम करना है. आपने क्या किया कि आपने डाइट किया, ये किया, एक्सरसाइज किया, बनाना किया, ढीका किया. 4 महीने बाद वजन कम होगा. ओके, नाउ आपने वही चीज करनी है बट आपने स्मार्ट वॉच पहना. तो इससे क्या होगा, हर दिन आपको दिखेगा आज 200 ग्राम घटा, आज 300 घटा, आज 300 घटा, आज 400 ग्राम घटा. होगा वही 4 महीने बाद 4 किलो ही घटने वाले. बट रोज का रोज अपडेट मिलता है. दिस इज रोज का रोज अपडेट ऑफ द वैल्यू ऑफ बिजनेस. समझ में आया? दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज. एवरी डे यू गेट अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस. ये नॉर्मल बैलेंस शीट लास्ट डे पे बनाओगे तब भी ये आता रहेगा तो ताबड़तोड़ मिल जाएगा एवरी ट्रांजेक्शन का. चलो लास्ट दो करो. स्टेशनरी रेंट एंड सैलरी टू स्टाफ क्या करोगे आप तीनों? कैपिटल से माइनस और एसेट से माइनस. समझ में आया? व्हाट अबाउट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज? एसेट से कम क्यों? स्टॉक, स्टॉक घटा एंड कैपिटल में से माइनस क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. क्लियर है? इज दिस क्लियर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैपिटल से माइनस और स्टॉक एसेट से माइनस. सर हमें एक बनाए. वेट सर, एडवर्टाइजमेंट का बोलो ना. एडवर्टाइजमेंट टू परचेज था. व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? बढ़ा तो कैपिटल घटेगा एंड परचेज को क्या ट्रीट करने का? स्टॉक, वो भी घटा तो एसेट से माइनस. सो कैपिटल से माइनस और एसेट से माइनस. लास्ट डोर कर लो.